उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 52वें जन्म दिवस पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 310 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने किया। शिविर में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की 52वीं वर्षगांठ के मौके पर हिंदू युवा वाहिनी का कार्य सराहनीय है। दरअसल ब्लड जाति व धर्म नहीं देखता है, और ब्लड यानी खून एक ऐसी चीज है, समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। दान किए गए रक्त से कई लोगों की जिंदगी बच सकती है। कोरोना काल में भी युवा ने अच्छा काम किया। अमरीश सिंह भोला ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी हर कठिन समय में लोगों के साथ खड़ा है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट किया था। युवा ने 101 का यूनिट का लक्ष्य रखा था, लेकिन बड़ी बात यह है कि 310 की संख्या पहुंच गई है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि ब्लड का अब तक कोई विकल्प नहीं खोजा जा सका है। सर आज जो है रक्त शिविर लगाया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 2019 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर हिंदू जवानी द्वारा लगातार जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, और उसी क्रम में आज के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और हर बार ये लोग करीब 150 से 200, पहली बार तो करीब 250 से 300 ब्लड लोग देते हैं। और इस तरह से आप जानते हैं कि मानव रक्त जो है वो कहीं और से मिल नहीं सकता, डोनेट करना पड़ता है, तो एक इनके डोनेशन से 3 लोगों की जान बचती है। ये इतना गर्मी में इतने मुश्किल टाइम पे ये लोग डोनेशन करने के लिए इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए गवाही के सभी लोग जो है काफ़ी बधाई के साथ हैं। और उनके लिए आप जो पुण्य कार्य है ये समाज के लिए एक प्रेरित करने वाली एक्टिविटी है। लगभग कितने यूनिट तक का लक्ष्य है, कितना यूनिट मिल सकता है? एक ब्लड यूनिट जो जो दान की जाती है उसमें 3 तरह के कंपोनेंट निकलते हैं। जी जी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड फॉर प्लाज्मा। तो एक एक यूनिट से 3 लोगों को फायदा हो सकता है। जी एक से 3 यूनिट लगते हैं। तो सर लगभग अभी तक कितना यूनिट आ गया होगा? लगभग तो शुरू हुआ है जी, अभी मैंने कहा कि 10-15 यूनिट अभी इकट्ठा हो चुका है। अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लोग की भीड़ बढ़ती जा रही है, और पिछले साल इन्होंने करीब हमने 200 यूनिट जो है डोनेट किया था। हमें लगता है कि सामने को इस बार भी पारी करेंगे। अमरीश सिंह भोला सर आज जो है रक्त शिविर लगाया गया है, इसके बारे में मतलब कितने यूनिट है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का 52वां जन्मदिवस है। इस अवसर पे जिला चिकित्सालय कबीर चौरा वाराणसी में बृहद रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया। हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर व त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य उद्देश्य यह है कि रक्तदान को महादान कहा गया है, और बहुत सारे क्रांतिकारी काम को लेकर के तो हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता ये संदेश देने का काम करता है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती है, बढ़ चढ़ के इसमें हमारे सहायता दर्ज कराना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार के आयुर्वेद को करवाने की इसे ये उपलब्ध हो पाए। सर कितने यूनिट तक का लक्ष्य है? ये 300 प्रोग्रामों का लक्ष्य है सर। 350 रक्तदान किया। आप देख रहे होंगे कि भीषण गर्मी में भी जो उत्साह उमंग काशी के नौजवानों में उससे मुख्यमंत्री जी के प्रति है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ साथियों का कि आपने इस अवसर पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और एक संदेश देने का काम किया।
लगभग अब तक कितना यूनिट तक? अभी तक 60 यूनिट ऑपरेशन हो चुका है। 60 यूनिट ये हर साल के? हर साल मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस पे 5 जन्मदिवस के अवसर पर आज वाहिनी सेवा फाउंडेशन के द्वारा आज रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी पूरा अस्पताल में कार्यक्रम से सार्थक चलेगा। बहुत ही अच्छी बात है कि सुबह से बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर डोनेट किया है। आज पूरी के उत्साह वर्धन के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्शों की प्रेरणा से जो दिखाता है कि समाज की सेवा की जाए, देश की सेवा की जाए, इसी प्रेरणा को आदर्श को लेकर आज यहाँ पर डोनेट उपस्थित हुए हैं। और मानव जाति के कल्याण के लिए अपने भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनको समय पर उनकी जरूरत होती है उसकी पूर्ति करने के लिए आज यहाँ पर डोनेट उपस्थित हुए हैं। उनके प्रेरणा स्रोत मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग यहाँ पे उनका सम्मान करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आए हैं। यही प्रेरणा पूरे शहर को देते हैं कि वे भी ब्लड डोनेशन करें और जिन भी भाई बहनों को आवश्यकता होती है खून की, किसी ऑपरेशन में, इलाज में, एक्सीडेंट में या किसी अन्य आकस्मिकता में उनकी मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम समाज की सेवा कर सकें और ऐसे ब्लड डोनेशन कार्यक्रमों के माध्यम से मनाने का एक जो अनूठा प्रयोग किया गया है उसके लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम का चयन किया गया जन्मदिवस मनाने के लिए। ऐसी ही समाज सेवा की भावना की आवश्यकता है। जब समाज एक दूसरे की मदद करता रहेगा और काशीवासी एक दूसरे की मदद के माध्यम से प्रेरणा का संदेश दूर जनपदों तक, दूर प्रदेशों तक भी देते रहेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।